गाइस, आज जैसे पता आपको संडे है और आज प्रॉपर लॉकडाउन है और आपको पता है जो हमें फॉलो करे बहुत देर से उनको पता है कि हम संडे को हम घर पे कुछ भी बनाते, हमारा संडे को हर बारी ब्रेकफास्ट बाहर से आता है और आज तो कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला क्योंकि लॉकडाउन है। और सुबह क्या हुआ, सुबह ना जैसे कि पापा ने सेम को कहा कि ना थोड़ा पूरी ले आ, पापा को भी याद रहा कि यहाँ लॉकडाउन है, सेम को भी नहीं याद रहा कि यहाँ लॉकडाउन है, तो वो बेचारा लग गया पैसे लेकर और ऐसे पैसे लेकर आ गया कि पापा बाहर लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज हमारा बाहर का खाना कैंसिल क्योंकि सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं मिल रहा है और बहुत स्ट्रिकनेस भी है बाहर से इसलिए। तो आप देखते हैं मम्मा क्या बना रहे किचन में, लेट्स गो। मम्मा क्या बन रहा है आज? बन रहे हैं पकोड़े, घर के हेल्दी पकोड़े। ओ वाओ, आज कल घर का खाना कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा तुझे ना? उसका तो पॉपट हो गया, सुबह सुबह गया पूरी लेने। मैंने बोला भी है, मैं क्या आज लॉकडाउन है, आज नहीं पूरी मिलनी, नहीं मम्मा मिल जाएगी। नहीं पापा को भी तो नहीं आना आना, और आज खाओ घर के पकोड़े हेल्दी हेल्दी। यार मेरी किचन में आज बहुत गड़बड़ा होगा, अब चलेगा यहाँ से। ओके मॉम, चलेगा जल्दी। संडे हो गया वेस्ट, आज पूरी कुलचा सब बंद, आज घर का खाना। संडे आपका नहीं, संडे मेरा वेस्ट हुआ है। क्यों क्या बनाना तो मुझे पता है, नहीं तो मैंने आराम से बैठ के खाते बना रहा। एक दिन होती है मेरी छुट्टी की और वो भी खत्म। और वो भी सुबह सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता। निकाल तू सीख ले ब्रेकफास्ट बनाना। नहीं, कभी मुझे कुछ बना के खिलाई, कभी मुझे कुछ बना के, जैसे तू मुझे ऑर्डर करती है ना फिर मैं तुझे ऑर्डर करूंगी। आज ना पूरी आलू बना ले। नहीं आज ना, क्योंकि स्कूल तो आप लोगों ने जाना नहीं, घर में वेले ही हो, तो थोड़ा मम्मा को ही कुछ बना बनो के खिला। चलो जी, अब ना क्रिस्पी पकौड़े हो गए तैयार और अब चलते हैं ऊपर। माजा पकोड़े, वाओ तेरे को पसंद नहीं है? क्या हुआ, बहुत टेस्टी। चल आ जा अंदर। वेरी गुड वेरी गुड। बॉटल को मुंह लगा के तू पानी पिला। वेरी गुड, खुद कह रहे हैं। वेरी गुड, सही है, मैनर्स है थोड़ी सी। मैंने ये नहीं कहा कि बोतल का मुंह लगवाओ, मैं आप पे मेरे मुंह पे लगा रही, मैं पी लिया। हां तो मैं देख ले, पी ले आ करा कर रहा बैट बॉल खेल रहा है। आपको अगर मैं उसको डायरेक्ट दिखाऊंगी तो वो अपना फेस बिल्कुल नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं आपको ये वाली विंडो से दिखाने वाली हूँ। वो देखो, उसको बिल्कुल पता चला कि हम उसका सीन ले रहे हैं। देख ली पता नहीं मम्मा कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, आज इतने तैयार, वीडियो शूट करने वाली हूँ। और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आज। थैंक यू, बट मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे आज, वॉश नहीं हुए ना, बड़े फ्रीजी फ्रीजी लग रहे हैं। नहीं लगा रही ना, मेरा नहीं लग गया। सॉरी मम्मा, सॉरी, नजर लगा रही है। सॉरी, इतना बड़ा नेल मारा, इतना बड़ा, ये नहीं है, ये वाला ये नेल मारा है दुश्मनी निकाल। ओ यार नहीं, मैंने ना आपके बाल ऐसे कर दिए फेस पे, नेल बड़ा तेज लगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा बंद होता ना थप्पड़ लग जाना था तुझे, आज बच गई है। एक मिनट रुका, बच गया। इतना बड़ा बड़ा नेल हो चुका हूँ मैं, तोड़ दूंगी इसको। ये मेरे अपने नेल्स है। नहीं आज टेंशन सही है। मैंने अपने नेल्स लगा दिए, रखो
नहीं इसके खुद के है कि यार ये बहुत मारती है सही, हमको बहुत बार लगते हैं और वो बहुत रोता है। वो कहता है कि किसी दिन ना तू सोई होगी ना, मैंने तेरे नेल सारे कट कर देने हैं। सही हमको इसके नेल्स बहुत लगते हैं, कई बार वीडियो शूट करते करते उसको इतनी तेज नेल लगता है ना, वो बेचारा रोता रहेगा, मम्मा मैंने वीडियो नहीं शूट करनी अब, इसके नेल काटो मैंने। जितने स्कूल नहीं खुलेंगे ये नेल्स नहीं कट हो सकते, पता कितनी मेहनत लगती है इसको पढ़ाने टाइम। आप क्या जानो, सुबह से काम करना शुरू होती है, रात तक काम करती रहती है, इतनी मेहनत लगती है ये नेल्स बढ़ाने के लिए। नहीं भाई कितनी मेहनत लगती है नेल्स बढ़ाने के लिए, नेल्स कम होने में ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि पूरा दिन काम करना पड़ता है, उसके बाद आपके नेल्स कभी नहीं बढ़ते। जो वेले बंदे होते ना, वेले बंदे उनके नेल्स बढ़ते हैं, ये देखो वेले बंदों के नेल्स बढ़ेंगे और जो काम करते ना उनके नेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। नहीं ये यहाँ पे इतना ये फैक्ट है, कुछ नहीं करने देती, फ्री बैठे बैठे तो इसलिए नेल्स भरते हैं। और मम्मा के नेल्स काम करते तो और मैं कितना मन के इसको खाऊं खाऊं पर नहीं होता है कि सच में इसके नेल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सब बोलते हैं कि ये इसने ना वो नेल्स स्ट्रेचेस करवाई हुई है, बट नहीं इसके नेल्स खुद के हैं, बहुत अच्छे नेल्स हैं इसके। थैंक यू। पहली बात आ रही है कि अम्मा आपने मेरी वैसे सिर्फ कैमरे के आगे नहीं कैमरे के लिए कहां गए, चल मेरे साथ ऊपर मेरी वीडियो तैयार करवाओ। ओके चलो मिलते हैं बाद में वीडियो शूट करने के बाद मम्मा की। तो गाइस मैं मम्मा की वीडियो ऊपर शूट कर रही हूँ, इतनी गर्मी ऊपर बाप रे, और मम्मा ने ऊपर 2 घंटे लगा दिया, बहुत गर्मी थी आज, बहुत धूप है ऊपर। और ये क्या है कि गए थे कि सिर्फ 15 मिनट्स में लगाऊंगी वीडियो शूट करने में, पर इन्होंने तो 2-3 घंटे लगा दिए, बहुत गर्मी है ऊपर यार। तो अभी आके आराम कर रहे हैं और सामने हमारी प्रिय प्रिय मेगा और शाम के टाइम मैं शूट नहीं कर सकती ऊपर क्योंकि सब लोग ऊपर आ जाते हैं और शाम के टाइम हम लोग शूट नहीं कर सकते, तो हम दोपहर 3 बजे हमने शूट किया, तो मैंने सोचा था कि चलो 2-3 सीन है, 15-20 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी नीचे आ जाएंगे। पर 2 घंटे और यार 3 घंटे लग गए, 3 नहीं और अब इनको इस चीज की टेंशन है कि मेरी रात 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाए, मैं तो पागल ही होगी ऊपर धूप में। नहीं सच में पता क्या, 2 घंटे लगे पूरे, ठीक है 3 घंटे लगे हैं जिसने शूट की उसको पता है गर्मी में खड़ी होकर, 3 घंटे लग गए, लेकिन बहुत 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 थैंक यू क्योंकि इतना ज्यादा ऊपर गर्म, आज ये मेरे साथ ऊपर नहीं आई है, इसने हमारा कोई शूट नहीं किया, ये नीचे सोई हुई थी, निखार और मैंने शूट किया है। चलो निखार वैसे एक बात है, जब मैं तेरे साथ तेरी रील शूट करती हूँ तब भी मैं 2-2 घंटे ऊपर शूट करती होती हूँ धूप में, निखार बाद में हम आदमी क्या बोला जाता है ये भी बता ना, जब बैठे बस करो लास्ट, नहीं नहीं बस करो, इतनी गर्मी उत्ते मेगा निखार फटाफट कर लो शूट, ऐसे ही बोलते हैं आपको भी हमें रील शूट करते इतनी गर्मी में खड़े होकर, थैंक यू सो मच। एक बात है, मैं हवा वाला मौसम में उठती हूँ, जिस दिन हवा चलती होगी ना मैं उसको बोलूंगी जितनी रील शूट करवानी है ना मेरे से करवा ले, सच में धूप में खड़े होना यार बहुत मुश्किल है। आज अब यही प्रॉब्लम थी, ये मेरा शूट कर रही थी और मेरी आंखें बंद आ रही थी क्योंकि एकदम वो सूरज आंखों में पड़ रहा था पूरे, पर हमारी यार ये प्रॉब्लम है कि शाम के टाइम हम शूट नहीं कर सकते क्योंकि शाम के टाइम सब अपने टेरिस पे आ जाते हैं और उनके सामने थोड़ा शूट होगा, दोपहर के टाइम ऊपर कोई नहीं होता तो आराम से हमारा शूट हो जाता है। तो निखार बहुत 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 थैंक यू जिसने आज मेरा शूट किया, थैंक यू, वेलकम। इसी ऑनर में आपको मिलता है ये चाय का खाली कप, नहीं नहीं निखार को मिलेगा ये लो कोल्ड कॉफी या बनाना शेक, नहीं मेरा चॉकलेट।
नहीं मेरे को पास्ता बना दो। पास्ता नहीं, निखार को मिलेगी कोल्ड कॉफी। निखार को मिलेगी कोल्ड कॉफी। नहीं नहीं बनाना शेक, बनाना शेक भी मिल सकता है। नहीं पास्ता, इतने दूर का टाइम हुआ है, बनाना शेक या कोल्ड कॉफी दोनों में से एक चीज मिल सकती है बस। निखार भी है चाय वाला ऑफर अच्छा। तो वो की तेरा आज संयम, संयम गली में, संयम हमारा। और मैं आपको बताती हूँ संयम के लिए एक बहुत दुख भरी न्यूज बोल सकते हैं जिसको, वो है कि संयम की अकेडमी एक तो हो गई बंद, और दूसरी कोरोना के कारण इसके पापा ने मना कर दिया है कि अभी हमने एक महीना संयम को क्रिकेट में नहीं भेजा। और हमारी जिम तो भी बंद। और जिम भी बंद। भाई जिम का दुख तो वही लोग समझ सकते हैं जो जिम जाते हैं। तो हमारा स्कूल भी बंद दो सालों से। ऐश हुई पूरी इनकी, जब से स्कूल बंद है ना इनको ऐश हुई पूरी। और लेकिन मेरा संयम बहुत सैड था आज, उसने व्लॉग भी अच्छी तरह शूट नहीं किया क्योंकि वो पापा के पीछे पड़ा हुआ, पापा प्लीज मुझे अकेडमी भेज दो पापा प्लीज। लेकिन जो डिसाइड कर लिया मेरे साथ, उसने सुबह उठ के हम दोनों ने एक्सरसाइज कर ली है और साथ में उसने, अगर ये दोनों सुबह उठेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये दोनों उठते हैं कि नहीं उठते। ये सही बात, ये इतने लेजी है, सुबह 12:30 बजे से पहले दोनों उठते नहीं है और ये दोनों 6:00 to 7:00 उठने वाले। ये की सही बात, अगर ये सुबह उठ के एक्सरसाइज करेगी तो निखार ब्लॉग शूट करेगी, अगला ब्लॉग आपको वही मिलेगा। ठीक है तो अगर ये 12:00 मिले उठेंगे तो 12:00 का भी ब्लॉग शूट होगा। 12:00 का ब्लॉग शूट होगा, अगर 6:00 उठ गए सुबह तो उसका भी ब्लॉग शूट होगा। नहीं हम उठेंगे सुबह, क्यों नहीं उठेंगे, मैं और संयम उठेंगे। निखार अगर हम सुबह उठ गए ना तो फिर तेरा देख ये ना, ये हर बार ऐसे बोलते कि चाची हूँ ना सवेरे प्रैक्टिस करनी है, कितने प्रैक्टिस, सॉरी हमने सुबह वर्कआउट करना है सुबह 6:00 तो मेरे मेरे को उठा देना सुबह कितने बजे। 12:00 क्या होता है, 1:00 घर में वर्कआउट नहीं होता, ये भी बड़ा पंगा, ये तो मैं ऐसे एग्री हूँ कि घर में वर्कआउट नहीं होता, पता नहीं कैसे लोग कर सकते हैं, कैसे ये वीडियो डाल देते हैं मुझे तो समझ नहीं आती यार, मेरे से तो लैग नहीं उठाई जाती। अगर आप लोग भी कोई वीडियो देख रहे हो जो जिम लवर्स है तो वो हमें जरूर कमेंट में बताएगी यार वो घर में जिम कैसे कर लेते हैं यार, एक तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, सुबह उठा नहीं जाता, और दूसरी बात जिम करना बहुत डिफिकल्ट है वो भी घर में। यार मम्मा लॉकडाउन में कितने वो आते वीडियो कि अपने घर में कितना हमने लॉकडाउन जब हुआ था, हमने 10 दिन किया था बस, पहले 10 दिन लॉकडाउन तो कितने दिन, 8 महीने रहा है लॉकडाउन, हमने सिर्फ 10 दिन का 10 दिन किया। कोरोना खत्म हो जाए और जल्दी जल्दी से जो जिम खुल जाए, इनके स्कूल खुल जाए। ये बात है कि जब से स्कूल नहीं खुले निखार ने पूरा फायदा उठाया स्कूल बंद होने का, उसने अपने इंस्टा पे भी इंक्रीज कर लिए फॉलोवर्स और उसने अपने यूट्यूब पर भी फॉलोवर्स इंक्रीज कर लिए, तो अगर लॉकडाउन ना होता स्कूल बंद होते तो शायद ही निखार कर पाती। मेरे मोज में 1,00,000 फॉलोअर होने लगे, 1,00,000 फॉलोअर। थैंक यू गाइस। और ये सब इसने ये लॉकडाउन के दौरान भी किया, इसने पूरा फायदा उठाया अपने स्कूल बंद होने का। अगर स्कूल खुले होते ना ये कभी ना कर पाती, क्योंकि मुझे पता है ये अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा रखती है पहले, तो अगर स्टडी उसके बाद बचता है एक घंटे में ये क्या क्या करती, इंस्टा करती, यूट्यूब करती, मौज करती, इससे कुछ भी ना होता। पूरा फायदा इस बच्चे ने उठाया लॉकडाउन का, स्कूल बंद का। तो चलो गाइस, सच में बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही अच्छी है ये, बहुत अच्छी है, तो चलो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत प्यार हो आप इनको, बहुत प्यार हो इनको, क्योंकि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ये इतने बेचारे बच्चे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, सुबह नहा धोकर पहले बेचारे मौज करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सोच करते हैं, उसके बाद ये इंस्टा करते हैं, फिर रील्स करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास यूट्यूब पर भी सारा दिन आते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत न्यू वीडियोस लेकर आते हैं। तो प्लीज 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 आप इनको फॉलो कीजिए और इनको यूट्यूब इंस्टा रील पर बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। नहीं,
लगे और उसके बाद आपने मेरा एक मिलियन फॉलोवर कर दिया। जल्दी जल्दी से इंस्टा पर भी 1,00,000 फॉलोवर्स कर दो। ये दिखा रही है मुझे दे दे। हाँ तो चलो गाइस हम जल्दी मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय टेक केयर। मेरी और संयम की और से एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट। उसकी मम्मा की बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए। बाय। नहीं नहीं रहना से तो बाहर जाओ। मुझे लगा कि उसने वीडियो बंद कर दिया था इसलिए मैं रुक गई। नहीं घर में रहिए, सेफ रहिए, जब भी बाहर जाते हो मास्क लगा के जाओ प्लीज। जो भी काम कर जा, बच्चे जा रहे हैं उनको बंद कर दो, घर में रखो बच्चे को, बाहर बहुत बुरा आ रहा है। बच्चे तो वैसे 2 साल से बंदी है घर में। सो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।